हमने सबने साथ उनकी मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सतीन शर्मा। कल दोपहर में जयपुर गोलियों की बौछार से सहम गया। सुखदेव सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद से पूरा राजस्थान सहम गया। सरकार बनने से पहले जिस तरह से वहां ये वारदात को अंजाम दिया गया, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हालिया में चर्चे में बने MLA बालमुकुंद आचार्य का इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने इस हत्याकांड का पूरा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सुखदेव सिंह पुलिस संरक्षण मांग रहे थे, पहले ही वो कह चुके थे कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप भी सुने बालमुकुंद क्या कुछ कह रहे हैं। साल से जिस प्रकार का कुशासन था और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन घटनाएं दुर्घटनाएं घटी है, मैं स्वयं गवाह हूं। और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे, और वो गौ सेवा करते हुए सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मैं खुद उनके साथ था, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है और ऐसी ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं, मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनकी मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो ये स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेना के प्रमुख जिनके साथ ये घटना घटी, उन्होंने पूर्व में बता दिया, और जब पूर्व में बता दिया उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई। यानी गहलोत सरकार राजनीति के चलते, अहंकार के चलते, ये गहलोत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदार है और पूरा जिम्मा गहलोत सरकार का, क्योंकि आज तक गृहमंत्री मुख्यमंत्री वही है, उनकी उनकी देखरेख में सारा कांड हुआ है। जब वो एक साल से कहते आ रहे हैं और 3 साल 4 साल पहले भी कहा था उन्होंने, और उनको सुरक्षा दी नहीं गई, तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार स्वयं को दोषी मानते हैं। उनकी वजह से ये कांड हुआ है, इस प्रकार के माफिया यहाँ पनप रहे हैं और चारों ओर भय का माहौल है। मालवे नगर में क्लब में घटना घटी, कुछ नहीं हुआ आज तक, और रोज ही घटना यहाँ घटित हो रही है। यूपी की घटना है, बाबा जी ने बंद कर दी, अब राजस्थान में घटनाओं का कारण स्वयं गहलोत है। तो सुना आपने, आपको बता दें कि सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर के अभी एक बड़ी खबर सामने आई है, आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब देखना होगा कि कब तक उनकी धरपकड़ होती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।